Hi guys, this is Payal from the channel of Knowledge Unleashed by Payal Shekhawat. ठीक है, तो आप सभी जानते हैं, आप लोगों के ओ लेवल के पेपर्स हो चुके हैं. ठीक है, और अब आपका एक लास्ट रह चुका है पेपर, कहें जिसे आपका प्रैक्टिकल रह चुका है. ठीक है, प्रैक्टिकल रह रहा है लास्ट में. अब इसके लिए नैलेट के थ्रू अलग से क्या किए जाते हैं, एडमिट कार्ड आप लोगों के अपलोड किए जाते हैं. वैसे तो मैं जानती हूँ आप सभी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना अच्छे से जानते हैं, क्योंकि प्रीवियस में आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रही है तभी एग्ज़ाम दे के आए हैं, है ना. बट फिर भी एक अगर कोई भूल रहा है या कोई भी छोटी सी इंक्वायरी भी अगर मैं देना चाहूँ इससे रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, तो उसके लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए पब्लिश कर रही हूँ. ठीक है, देखिए नाइलेट की अगर आप स्टूडेंट हैं तो एडमिट कार्ड निकालना तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे. ठीक है, बट यहाँ पे क्या डिटेल देना चाहती हूँ मैं आपको, मैं देना चाहती हूँ कि आपको किन किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, है ना. कोशिश यही रहेगी कि टॉपिक्स एकदम करेक्ट हो. ठीक है, तो ये टॉपिक्स वो रहेंगे जो कि आपके प्रैक्टिकल वाले रहते हैं. ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जितने भी प्रैक्टिकल्स चैप्टर करें, है ना, जितने भी आपके ओ लेवल के सिलेबस में प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपके HTML का वेब डिज़ाइनिंग का बेस हो गया, है ना, HTML वाला चैप्टर हो गया, आपका CSS हो गया, ठीक है, आपका जावा से रिलेटेड हो गया, और इसी के साथ साथ जैसे आपका देखा जाए तो आपका जो Arduino से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स आपको दिख रहे हैं वो अभी और भी अपलोड कर दिए जाएंगे इसी बीच में. ठीक है, वो और आपका जो पाइथन है इसमें जो आप लोगों ने अभी तक प्रोग्राम्स फंक्शंस बनाने देखे हैं, कौन कौन से आपको टैग्स का कैसे कैसे यूज़ करना है, ये आपका ओ लेवल के प्रैक्टिकल में आएगा. ध्यान ये रखना है कि प्रैक्टिकल जब होगा आपका तो 100 मार्क्स का होगा, उसमें 80 का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, 3-4 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने होंगे. ठीक है, और इसी के साथ साथ आपका एक वाइवा भी होगा वहाँ पे कंडक्ट, जहाँ भी आपका सेंटर आएगा वहाँ पे आपका वाइवा भी लिया जाएगा. ठीक है, तो उसमें आपसे ओरली पूछा जाएगा, आपका जो भी सिलेबस है उसके बारे में ओरली आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा. तो ये दो टर्म्स आपके रहेंगे आपके प्रैक्टिकल में. 100 मार्क्स का आपका पेपर होएगा, जो भी आप लिख के आएंगे एकदम करेक्ट लिख के आइएगा, कहाँ कहाँ कौन से सिम्बल्स का यूज़ करना है वो आपको ध्यान में रखना होगा. ठीक है, फिर आपका प्रैक्टिकल ये कवर हो जाएगा. आप जानते हैं इसके बाद प्रैक्टिकल के बाद आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा नाइलेट को. अगर आपके ये चारों पेपर क्लियर हो जाते हैं, प्रैक्टिकल भी क्लियर हो जाता है, तो आप क्या करें अपना एक प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दें और नाइलेट को फिर आपको सेंड करना होगा, तभी आपका ओ लेवल का जो कोर्स है वो कंप्लीट होगा. तो अब देख लेते हैं किस तरह से हम इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे ही दी है कि किस तरह से आप अपना जो प्रैक्टिकल है उसमें ध्यान रख के अपना पेपर देख के आ सकते हैं. ठीक है, 4 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने होंगे. तो इन्हीं के साथ साथ जैसे IT टूल्स में अपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, ठीक है, उसका भी आपका इम्पोर्टेंट है. एक बेसिकली देखा जाता है मेल मर्ज का काफ़ी पूछा जाता है. देखिए वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट का जो आपका प्रैक्टिकल है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करें या फिर लिब्रे ऑफिस पे करें, वर्किंग प्रोसेस दोनों में सेम है. तो आप माइक्रोसॉफ्ट का भी अगर जानते हैं तो उन पर भी प्रैक्टिस कर ले, लिब्रे में वही सेम प्रोसेस रहेगी, तो आपको उस पर भी प्रैक्टिकल पर भी ध्यान देना होगा. अब देख लेते इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं. डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जाना है आपको. ठीक है, स्क्रॉल करना है विंडो को. यहाँ पे आपका ओ लेवल का है तो आपको ओ लेवल सर्च करना होगा. स्क्रॉल करेंगे विंडो को, ये COVID-19 की डिटेल दे रहा है. आप क्या कर देंगे यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देंगे. ठीक है, डिक्लेरेशन देने के बाद एग्री इस पर टिक कर देंगे. ठीक है, स्क्रॉल करेंगे अप की साइड जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसके थ्रू डाउनलोड करना चाहते हैं, एप्लीकेशन नंबर के थ्रू या रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू. तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर पर टिक करें, अदरवाइज आप एप्लीकेशन नंबर पर भी टिक कर सकते हैं. यहाँ पे आप किस पे जाएंगे, आपका ईयर सेलेक्ट करेंगे, कौन से ईयर में आपका एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल होगा, और जुलाई का ही आपका बैच साइकिल है इसमें. ठीक है, तो जुलाई आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है. फिर आपको आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है. ठीक है, ठीक है, आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर दिया. उसके बाद आपको अपनी DOB फिल करनी होगी. DOB आप कैलेंडर में से फिल करेंगे तभी आपकी वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज वैलिड नहीं मानी जाएगी. ठीक है, कैलेंडर में से आप क्लिक करेंगे तो आपको DOB शो हो जाएगी. ये सब टर्म्स तो आप लोगों को आते ही होंगे क्योंकि आप लोगों ने पहले भी ये अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं
और अब तो आप ओ लेवल सर्टिफाइड होने वाले हैं, तो ये चीज़ें तो आप लोगों को अच्छे से आती होगी। हमने कैप्चा कोड एंटर कर दिया है, व्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें बता रहा है प्रिंट थ्योरी एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड, ये तो हमारा हो चुका है थ्योरी का। अब हमें क्या करना है, प्रिंट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, ठीक है। कहाँ आया है आपका सेंटर, वो सेंटर यहाँ पे आपको शो हो रहा है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर, सेंटर नेम जयपुर में है, किस डेट को है, स्टूडेंट का नेम, फादर्स का नेम, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो होगा। प्रिंट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन तो उसका एडमिट कार्ड तो आप जैसे प्रिंट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, आपका एड्रेस, आपका जो टाइम है एडमिट कार्ड का वो मिल जाएगा, किस डेट को है वो मिल जाएगा, बैच कौन सा आपका S1 जो भी है डिटेल यहाँ पे डेट मिल जाएगी, और स्लॉट कौन से स्लॉट में आपका टाइम है वो आपका रहेगा, 3 घंटे का ही आपका पेपर होगा, ठीक है। तो इसको आपको प्रिंट ले लेना है, ठीक है, और यहाँ भी आपका प्रैक्टिकल का सेंटर आया हो वहाँ पर आपको अपने प्रैक्टिकल के लिए जाना होगा, ठीक है। डेट यहाँ पे आपको बता रहा है किस डेट को है, तो इस डेट का ध्यान रखिए, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में ही आपकी ये डेट है, तो जल्दी जल्दी अपने जो भी प्रैक्टिकल सब टॉपिक्स हैं आपके ओ लेवल से रिलेटेड उनमें क्या करें, अपनी कमांड्स वापस से अच्छे से बैठाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।